सेवा परमो धर्म। इंडियन आर्मी का ये स्लोगन हमारे बहादुर जवानों के साहस, बलिदान और निष्ठा पूरी तरह से साबित करती है। दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी के बारे में कुछ ऐसी खास बातें और कुछ मुश्किल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे जिसको शायद किसी और देश की आर्मी शायद ही कर पाएगी। तो कहीं मत जाइए और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास में इंडियन आर्मी के गुरखा रेजिमेंट को बहुत सारे लोगों ने हथियाने की पूरी कोशिश की थी और ऐसी कोशिश करने वाले व्यक्तियों में से पहला नाम आता है एडोल्फ हिटलर का। दोस्तों, हिटलर का मानना था कि अगर एक बार गुरखा रेजिमेंट उसके हाथ आ गई तो वो रेजिमेंट की हेल्प से वो पूरे यूरोप को भी हथिया सकता है। हिटलर का ये भी मानना था कि पूरे वर्ल्ड में केवल गुरखा रेजिमेंट एक ऐसी आर्मी थी जो कि जर्मनी के काउंटर अटैक का सामना कर सकती है और जर्मनी को हरा भी सकती है। दोस्तों, अर्ली 70s और 90s में इंडियन आर्मी ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक कोवर्ट ऑपरेशन में सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया था, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस घटना को आज भी CIA के सबसे बड़े फेलियर्स में से एक माना जाता है। जैसे कि हम सबको मालूम है, 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ में हजारों लोगों की जाने गई थी और लाखों की तादाद में लोग जख्मी या फिर बेघर हो गए थे। उस मुश्किल की घड़ी में इंडियन आर्मी के जवानों ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों की जानें बचाई और उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने 20,000 से भी अधिक लोगों को एयरलिफ्ट करवाया और 2400 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आर्मी के जवानों ने 3,82,400 किलो का रिलीफ मटेरियल भी लोगों तक पहुंचाया। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तब इस बाढ़ में और भी लोगों की जाने जा सकती थी। दोस्तों, इंडियन आर्मी के इस काम की पूरे वर्ल्ड में काफी तारीफ की गई। दोस्तों, अगर हाई अल्टीट्यूड और माउंटेन वारफेयर की हम बात करें तो आप ये जान लें कि इंडियन आर्मी इसमें वर्ल्ड की बेस्ट फोर्स मानी जाती है। इनफैक्ट इसके लिए इंडिया में एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल भी है जिसको वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है। US, UK और रशिया अपने जवानों को इस स्कूल में माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए भी भेजती हैं। लद्दाख वैली में लोकेटेड बैले ब्रिज इंडियन आर्मी ने बनाया है। दोस्तों, ये वर्ल्ड में अब तक की सबसे हाईएस्ट ब्रिजेस में से एक मानी जाती है। ये ब्रिज द्रास और सुरू नदियों के बीच है जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज में आती है। इसको इंडियन आर्मी ने सन 1982 में बनाया था। इंडियन आर्मी के मिसाइल सीरीज
वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। आप लोग ये भी जान लें कि अग्निवर्ण अपने पहले दो टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गई थी और जिसको लेके पूरे देश में आर्मी का मजाक बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इसके तीसरे टेस्ट में अग्निवर्ण को वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स का खिताब दिया गया। दोस्तों अग्निवर्ण पृथ्वी मिसाइल्स आज की डेट में सबसे एक्यूरेटली लैंडिंग मिसाइल्स हैं। वैसे ही अग्नि 6 10,000 किलोमीटर स्थित अपने टारगेट को आसानी से खत्म कर सकती है। अग्नि 6 वर्ल्ड की बेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। एक और बात, रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो स्पीड ऑफ साउंड से 7 गुना ज्यादा स्पीड से अपने टारगेट को भेद कर उसको खत्म कर सकती है। दोस्तों दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार को द बैटल ऑफ लोंगेवाला का नाम दिया गया है। आप सभी ने बॉर्डर मूवी तो देखी ही होगी, कैसे 120 भारतीय फौजियों ने एक जीप और एक M40 रिकॉयलेस राइफल के सहारे 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को धूल चटा दी। उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी अपने साथ 45 टैंक्स और एक मोबाइल इन्फेंट्री भी लाई थी। ये लड़ाई पूरी रात चली और इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए पाकिस्तानी आर्मी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। सुबह एयरफोर्स की हेल्प से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को अपने घर वापस जाने को मजबूर कर दिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दोस्तों इंडियन आर्मी वर्ल्ड की कुछ ऐसी डिफेंस फोर्सेस में से है जिसने कभी खुद से किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया, और अगर जंग किसी दूसरे ने छेड़ ली हो तब भी जंग जीतने के बाद इंडियन आर्मी ने कभी भी LOC क्रॉस नहीं किया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे बताइए, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।